सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो 50-50 वोल्ट मिलने के बाद मैं आज की इस ड्राइंग को मैं स्केच में करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइज। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर नटराज पेंसिल का यूज़ करूँगी बेस लेयर के लिए। तो यहाँ पर मैं किस तरीके से शेडिंग कर रही हूँ ये आपको ध्यान से देखना है। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ कैमलिन की सॉफ्ट चारकल पेंसिल। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट चारकल पेंसिल का ही यूज़ करूँगी। एंड अच्छे से शेडिंग करने के बाद मैं यहाँ पर एक बार ब्लेंड कर लूँगी मेकअप ब्रश के यूज़ से। एंड यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी नीडेड इरेजर की, जिसको आपको डैप करना है सिंपली। एंड जो भी आपका एक्स्ट्रा चारकल है, एक्स्ट्रा ग्रेफाइट है, वो यहाँ से इरेज हो जाएगा। तो आईब्रो पे भी मैंने सॉफ्ट चारकल पेंसिल का ही यूज़ किया है, देन उसको भी मैंने ब्लेंड किया है। एंड हाईलाइट क्रिएट करने के लिए मैं नीडेड इरेजर को मैं डैप कर रही हूँ सिंपली। दूसरी आई को भी हम सेम तरीके से शेडिंग कर लेंगे एंड सेम तरीके से ग्राफाइट एंड चारकल दोनों का ही यूज़ करेंगे। एंड मैं इस ड्राइंग में मैं चारकल एंड ग्राफाइट दोनों का ही यूज़ करने वाली हूँ। एंड आई एम सो सॉरी गाइज कि ये वीडियो बहुत ही लेट आया है। आई नो आप मेरी वॉइस सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी तबीयत कितनी ख़राब थी, इनफैक्ट अभी भी है। एंड मैं फिर भी इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड मैं एडिट भी कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों में से जितने लोगों ने भी वोट किया था, मैं उन सभी को चाहती थी कि ये वीडियो उन तक पहुँचे जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 8B एंड HB पेंसिल का ही यूज़ किया है। बहुत लोगों का ये मानना है कि शेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेड की पेंसिल लगती है, यानी कि 2B लगती है, 4B लगती है, 10B लगती है, लेकिन आपको मैं बता दूँ, आप एक ग्रेड की पेंसिल से भी अच्छे से ड्राइंग कर सकते हैं एंड आप दो ग्रेड की पेंसिल से भी बहुत अच्छे से रियलिस्टिक ड्राइंग कर सकते हैं। तो अब लिप्स की बारी है एंड मैं बहुत ही स्लो मोशन में ही वीडियो को दिखा रही हूँ, ज़्यादा मैंने फास्ट नहीं किया है। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ पेंसिल को, किस तरीके से मैं शेडिंग कर रही हूँ। एंड यहाँ पर मैंने डार्क ग्रेड की पेंसिल लिया है, आर्ट लाइन की 8B पेंसिल, एंड ब्लेंडिंग स्टम्प का भी मैंने यूज़ किया है यहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए। एंड यहाँ पर जो पेज है वो है ब्रिस्टो की 200 GSM का मीडियम सरफेस पेपर। एंड अगर आपको इसका रेफरेंस पिक्चर का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं एंड वहाँ पर आपको विद ग्रिड एंड विदाउट ग्रिड का रेफरेंस पिक्चर का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अब फोरहेड में आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से शेडिंग कर रही हूँ। बस आपको शेडिंग पर ध्यान देना है, शेडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी ब्लेंडिंग आपकी ही उतनी अच्छी होगी। शेडिंग को स्किप करके आप ब्लेंडिंग की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से कितना स्मूथ ब्लेंडिंग हो रहा है। तो अब थर्ड आई को भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ 8B पेंसिल से। एंड सिंपली मैं टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ करते हुए तिलक को भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ।
एंड अब फेस की पार्ट है, यहाँ पर मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आप डिफरेंस देख सकते हैं, मैकेनिकल पेंसिल से बहुत ही अच्छे से शेडिंग हो पाता है क्योंकि इसकी लीड बहुत ही पतली होती है, लेकिन आपको शेडिंग अच्छा आना चाहिए, यानी कि आपकी स्किल शेडिंग में अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको मैकेनिकल पेंसिल का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपकी शेडिंग अच्छी नहीं है तो आप जितनी महंगी पेंसिल का यूज़ कीजिए आपका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग दोनों का ही अप्लाई किया है। एंड ब्लेंडिंग के लिए आप यहाँ पर मेकअप ब्रश या फिर ब्लेंडिंग स्टंप या फिर टिश्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फेस पर जहाँ पर भी लाइट पोर्शन है वहाँ पर मैं सिंपली नीडेड इरेजर का यूज़ कर रही हूँ, सिंपली मैं डैप कर रही हूँ। सो आई होप गाइज कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना, नीचे कमेंट में बताना एंड शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना क्योंकि उसी से ही आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। एंड गाइज हमारी 2K फैमिली कंप्लीट हो चुकी है एंड आप लोग अगर इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे तो 3K भी बहुत जल्दी हो जाएगी। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में इसी ड्राइंग के, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।